हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और आज का जो व्लॉग मैं शुरू करने जा रही हूँ, वो करने जा रही हूँ मैं अपने कुछ डेली रूटीन से हट के। आजकल मैं कपड़े सिलना सीख रही हूँ, मतलब सीख रही हूँ, हाथ बिठा रही हूँ अपना। सीखा तो मैंने पहले था, पर अब मैं उसमें हाथ बिठा रही हूँ अपना। और देखिए, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं दिन भर क्या काम करती हूँ, और जिसमें कि मेरे कपड़े सिलने का काम भी। आजकल मैं कपड़े सिलने पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। दोस्तों, कपड़े तो मैंने अब काट लिए, अब मैं बनाती हूँ दिन के लिए खाना। मम्मी वगैरह आने वाले हैं, उससे पहले मुझे खाना बना के तैयार रखना है। अब मैं सब्जी बनाती हूँ, चलिए। तो दोस्तों, सब्जी काटने के लिए मैं आ गई हूँ लेंटर पे, क्योंकि आज बहुत बढ़िया धूप लगी थी। 2 दिन तक मौसम ख़राब था, जिस वजह से जो है बहुत ठंड हो गई थी। तो आ जाई हूँ लेंटर पे, अभी मैं सब्जी बनाऊँगी। मम्मी इनके आने से पहले मुझे खाना बना के तैयार करना है, उसके बाद मैं फिर से कपड़े सिलने चली जाऊँगी। आजकल गोभी में कीड़े होते हैं, मम्मी ने बोला था कि देख के बनाना, और मुझे कीड़े बहुत गंदे लगते हैं। आई हेट कीड़े, मतलब तो मैं यू ऐसे होता है। मैं बड़े बड़े कीड़े से डरती, जैसे सांप वगैरह हो गए, पर ये जो खाने वाले कीड़े होते हैं ना, वैसे मतलब छोटे छोटे सब्जी वगैरह में जो होते हैं, उससे मुझे बहुत गंदा लगता है। तो मैंने सोचा था कि यूं करके सब्जी काट लूँगी, जैसे वो वीडियोस में करते हैं, पर फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे बात की जाए। तो चलिए, आपसे बात करते करते काटती हूँ आज मैं सब्जी। और बहुत धूप लग रही थी यार, इसलिए थोड़ी छाँव में आ गई, और वीडियो भी यहाँ पे थोड़ी सही बन रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है। पता, मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। जब भी हम शिमला में होते हैं ना, ऐसे तो हम हंसते रहते सारा दिन, ठीक है, पर कभी हम चुप रहते सारा दिन रूम में। लेकिन पता नहीं क्या है यार, जब पापा आते हैं ना, मतलब हम खाना खाने लगते हैं, तब मेरे को बहुत हंसी आती है, बहुत हंसी आती है, मतलब इतनी कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। फिर एक दिन तो पापा मेरे को बक्के भी गालियाँ मार देते, भी क्या बोलते, खाना खाने लगे नहीं कि तुम्हारी खिचखिच होती नहीं शुरू। हम ऐसे यार, हम बोलते भी नहीं कुछ नहीं, बस एक दूसरे की शक्लें देखेंगे, हम एक दूसरे की शक्लें देखेंगे और फिर खिच 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 खिच, क्योंकि हम हमारे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए हम थोड़ा चुप ही रहते हैं पापा के सामने। तो दोस्तों, सब्जी काट ली, अब चलते हैं सब्जी बनाने के लिए। उससे पहले मैं जा रही हूँ पशु को पहले पानी वगैरह पिला लेते हैं।
बस तो मुझे लग रहा है कि ये सब्जी कम हो सकती है, अब देखते हैं। वैसे तो दाल भी थी बची हुई, लेकिन पता है जब सब्जी बनेगी तो कोई नहीं खाएगा दाल। दोस्तों ये सुबह से लेकर यहीं पर बैठा हुआ है, इसको मतलब ये थोड़े दिनों से बीमार था तो मम्मी ने इसको रेस्ट के लिए बोला था, लेकिन इसको जो है आराम की लत लग गई। अभी जाता है पढ़ने और बिस्तर के में सो जाता है, बस ऐसे ही बैठा रहेगा सारा दिन। है ना, कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब आप? अरे देखना, अभी इसको मम्मी ने बोला था कि पत्तियाँ वगैरह डालने के लिए पशु के पास और पानी डालने के लिए, मेरे को याद नहीं रही, मेरे को नहीं था पता कि ये इसका काम है, और मैं चली गई। फिर इसने मेरे को बोला भी नहीं कि ये मेरा काम है। अभी अब देखो हंस रहा है। तो दोस्तों भाई लोगों ने तिल के लड्डू बनाए थे, मतलब इतने सख्त है कि चबाए नहीं जा रहे, दांत टूट जाएंगे, पर इसको पिघला के खाना पड़ेगा, मुंह में रखना पड़ेगा काफी टाइम। टूट गया जति यार वो। दोस्तों क्या आप लोगों ने कभी टॉफी मुंह फुल करके खाई है, मतलब एक साथ पांच? इतना मजा आता ना खाने का, मैं तो हमेशा यही करती थी, काफी मेरे इस पर खत्म होती है। कितने बिंडे काटे? बिंडे को काटे चार बार। हमारे घर में सारे ऐसे टोपे मिलेंगे। लगाओ तो सुनने Why are you laughing? हंस क्यों रहे हो तुम? मम्मी आ गई? तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 शायद, और आज पे मतलब आज मौसम ख़राब है, इसलिए हमारे को सोने के लिए टाइम मिल जाएगा दोबारा से। मैं जाऊंगी फिर से सोने के लिए, क्योंकि मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया, गोबर उठा लिया है, अब हम जाएंगे सोने। तो मैंने सोचा कि इस ब्लॉग की एंडिंग मैं यहाँ पे कर देती हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग भी मैं यहीं से शुरू करूँगी। यार मेरे पास ना फ़ोन में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं इसको बढ़िया से वीडियो को एडिट करूँ, पर क्या करूँ कि सारा मतलब जो मेरा फ़ोन का स्पेस है वो ख़त्म हो गया। ऐसा लगता है जैसे सारा स्पेस तो मेरी गैलरी ने ही कवर कर रखा है। मैं एक फ़ोटो डिलीट करती हूँ, 10 वीडियोस वगैरह मतलब ऐसे करके डिलीट करती हूँ, मैंने फिर भी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये स्पेस मांग रहा है और मांग रहा है और मांग रहा है और मांग रहा है। फिर मैंने सोचा इस व्लॉग को मैं डाल देती हूँ, जैसे भी डाला जाएगा ये, उसके बाद नए व्लॉग की शुरुआत करूँगी मैं अभी। और हाँ दोस्तों, जिसने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, क्या रहता है, आप लोग वीडियोस तो देखते ही हो, सब्सक्राइब कर दो। पता मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ ना, मतलब मेरे पास ना स्पेस है ना फ़ोन है ढंग का, ये भी हैंग करता है, बहुत हैंग करता है यार ये। और क्या बताओ, आप लोग लाइक भी नहीं करते, ना शेयर करते, ना सब्सक्राइब, कुछ भी नहीं करते। मतलब सब्सक्राइब कर दो यार, आपको वीडियोस देखनी होगी तो ठीक है, नहीं देखनी होगी तो कोई बात नहीं, ऐसे रहने देना, मतलब देखना ही मत, सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। अगर हाँ आप लोग सपोर्ट करेंगे ना, तो मैं बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेके आऊँगी, इसके लिए मैं नया फ़ोन भी लूँगी शायद फिर। पर यार एक बार सब्सक्राइब तो कर लो प्लीज़, जब मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद मैं नया फ़ोन लूँगी, अगर मेरे को लगा कि हाँ ठीक है तब। देखती हूँ अब लूँगी कि नहीं।